मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई जब ये टीआरपी बिकती एक स्टोरी आई। अपने देश में तो एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है भाई, उन लोगों के वीडियो बड़े वायरल होते हैं जो गाली गलौज करते हैं। आप लोगों को पसंद है गाली गलौज तो उनके वीडियो वायरल होते हैं। अपने देश में तो हर चीज बिकाऊ है, इसमें टीआरपी बिक रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? इसमें इतना क्यों हैरान हो रहे हो आप लोग? एमएलए बिकते हैं आपके 30-35 करोड़ में, अपने देश का सबसे ऊपर वाला दफ्तर से लेकर सबसे आखिरी दफ्तर बिकाऊ है, खरीदने वाले की औकात चाहिए, सब बिका हुआ है अपने देश में। सारे के सारे रेलवे नेटवर्क हो गए, जितने भी ये जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट्स ने बनाया चीजें वो सब बिका हुआ है। रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, तो टीआरपी बिक रही है, इसमें इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? मालूम है असली बात क्या है? सुनो, तुम लोगों को सबको एंटरटेनमेंट पसंद है, समाधान नहीं। सबको एंटरटेनमेंट पसंद है, समाधान नहीं, गारंटी कर देता हूं। मैंने कई बार ही कहा है ना, कीचड़ वहीं का वहीं है, कीचड़ साफ नहीं होगा। अभी 2-4 दिन एक दूसरे चैनल अपने पे कीचड़ फेंकेंगे। ये सब दलाली कर रहे हैं, सब के सब। कोई किसी की दलाली कर रहा है क्योंकि वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपकी पार्टी की विचारधारा, आपकी पार्टी है, आप क्यों बोलोगे? अब समझो कि एनडीटीवी है, वो समझते हैं प्रो कांग्रेस है, तो जितने कांग्रेस वाले हैं कभी एनडीटीवी को नहीं बोलेंगे कुछ भी। रिपब्लिक जो सब समझते हैं कि ये वर्तमान सरकार का चैनल है, तो जो उस सरकार को अभी आज की तारीख में सपोर्टर है वो कभी रिपब्लिक चैनल को, तो अपने अपने डिफेंड करते हो आप लोग, अपनी गलतियों को डिफेंड करने की आदत हो गई है। जैसे अपना कीचड़ नहीं देखना, दूसरे ही गिरेबान में डुबकी लगा के उसका कीचड़ दिखा देना, भाई तेरा कीचड़ है। इसीलिए मैं अपने देश में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। बलात्कार के लिए मैं पिछले 6 साल से बोलता हूं और घिनौने होते जाएंगे, क्योंकि आप लोग बलात्कार में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हो, सरकारें ढूंढ लेते हो। अभी देखिए यूपी में हुआ बलात्कार हाथरस में, तो अगर हाथरस वाले के बारे में कहते हैं तो बोलते हैं राजस्थान में जाके कांग्रेस सरकार का बलात्कार तो बलात्कार है। किसी महिला से तो पूछो जिसका बलात्कार हो गया और वो जिंदा बच गई। अब मजे की बात एक और है, जो महिला का बलात्कार होता है और वो जिंदा बच जाती है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। मतलब जब तक बलात्कार में उसको जला नहीं जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ दी जाए, उसके अंदर सरिया नहीं डाल दी जाए, तब तक तो आप लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि बलात्कार हुआ है। सही बात है ना? तो ये जो अभी टीआरपी का ये ना आप लोगों का एंटरटेनमेंट ये चलेगा भाई, 5 दिन आपको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना, 2 दिन तो कपिल शर्मा का शो आ जाता है, फिर बाकी के 5 दिन क्या करेंगे? 9 बजे बाद कोई काम ही नहीं है, तो वो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो आप लोगों ने सबने अपने बना रखे हैं गुट, जिसको मैं बोलता हूं डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो आप लोग, कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं हो, हो ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदू को मुसलमान दिख रहा है, मुसलमान को हिंदू दिख रहा है। प्रॉब्लम किसी को नहीं दिख रही और ना दिखने वाली है, आप लोगों के पास वो नजर ही नहीं है और ना आप लोगों के नेताओं के पास वो नजर है। ऊटपटांग बयान, ऊटपटांग एंकर, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। गनीमत है यूट्यूब का, जो कुछ लोगों की वजह से उनका घर चल रहा है, नहीं तो अगर यूट्यूब भी बंद कर दें हिंदुस्तान में तो कई लोगों के तो घर चलना बंद हो जाए भाई। ये सही बात बता रहा हूं, ठीक है, ये फैक्ट है ये बात। अब आप लोग एंटरटेनमेंट करिए 2-5 दिन। इधर से रवीश कुमार साहब किसी के फेवरेट, इधर से अर्णब गोस्वामी किसी के फेवरेट, समाधान कभी नहीं निकलने वाला। टीआरपी का नहीं आप लोग भूल जाओगे, 70% लोगों को तो टीआरपी का फुल फॉर्म नहीं पता कि टीआरपी कहते किसको है, टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है, और वो ज्ञान बांटेंगे, वो ज्ञान बांटेंगे। हमारे देश में क्या है कि हर नुक्कड़ पे ज्ञानेश्वर बड़े मिलते हैं जो ज्ञान देते हैं बड़े जबरदस्त। जब इनकी प्रोफाइल पे जाके देखते हो ना तो समझ में आ जाता है कितने बड़े ज्ञानेश्वर है, वे बड़े मजे की बात है। बाकी एंटरटेनमेंट करते रहिए, बलात्कार होते रहेंगे। जब आप अभी सो रहे थे ना तब भी बलात्कार हो रहे थे हिंदुस्तान में, घिनौने नहीं थे ना, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, घिनौने नहीं थे, वो जिंदा बच गई बेचारी, इसलिए नहीं। किसान आज भी वहीं पे है। मतलब आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, आप लोगों का जो सोच है उसको कहीं से भी किसी भी तरफ लेके जाना चुटकी का काम है, किसी भी नेता का, कोई भी कर सकता है इसमें, ठीक है ना। अब आप बिहार में देखिएगा आप लोग कितने कितने क्रिमिनल चलोगे, खुद की पांव पे कुल्हाड़ी मारने की आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है और आप लोगों की आदत हो चुकी है, ठीक है। अभी मुझे पता लगा है कि बेगूसराय के अंदर जो जेडीयू ने जिनको टिकट दी है महिला की, शी इज अ क्रिमिनल, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। बोले आप लोग उसको जिता दोगे और फिर रोना रहोगे कि 30 साल से तो बिहार में लॉकडाउन था। लॉकडाउन आपके दिमाग में है, यहां से जब तक आपका दिमाग का लॉकडाउन नहीं हटेगा ना तब तक हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर कोई समाधान निकल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। बाकी मजे करिए टीआरपी के, अभी ये खेल चलेगा, एंटरटेनमेंट होएगा आप लोगों का, ठीक है। जय हिंद।